स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज रांची के बिरसा मुंडा स्थान आए हुए हैं, आपको वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए, ये बिरसा मुंडा उद्यान है, यहाँ आपको पार्क है अंदर में, और रांची का सबसे पुराना जेल भी इसके अंदर है। आपको लेकर चलते हैं अंदर की ओर। तो चलिए इंटर करते हैं अंदर की ओर। और दोस्तों यहाँ पर काउंटर है, टिकट काउंटर, यहाँ टिकट मिलता है, टिकट भी ले चुके हैं। देखिए बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, तो दोस्तों 20 रुपया बच्चा का 20 रुपया है, और बड़े लोगों का टिकट आपको, देखिए बड़े लोगों का टिकट आपको 30 रुपया, तो 30 × 60 और 20 × 80 रुपये। तो दोस्तों यहाँ आए हुए हैं और अब अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, चलते हैं अंदर की ओर, देखिएगा। तो दोस्तों इधर देखिए, अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं और हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं और यहाँ का सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है, और चलिए आपको दिखाते हैं पूरा A to Z यहाँ का मुख्य और सुंदर व्यू। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो को अंत तक, ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इधर देखिए, ये मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार से हम लोग इधर से एंट्री किए हैं। और इधर देखिए मेरी डार्लिंग भी आई है, हम लोग गए थे बच्चा को आपको हॉस्पिटल लेकर दिखाने के लिए, तो रास्ते में पड़ा था ये पार्क, तो हम भी सोचे कि चलो इस पार्क को घूम लेते हैं, घूमे हुए नहीं है क्योंकि नया नया पार्क बना हुआ है ये, और बहुत ही अच्छा पार्क है, तो इसीलिए बच्चों लोग को भी दिखा दिए डॉक्टर साहब से, क्योंकि उसको बुखार उखार लगा हुआ था, तो इसीलिए बार बार परेशान कर रहा था, तो इसको दिखाए। रास्ते में ही ये पार्क है, घूमते फिरते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखिए, यह है हमारे बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान जी बोलते हैं शांति में ही तरक्की है, शांति में ही तरक्की है, बुद्ध भगवान बोलते हैं। लोग बोल बुद्ध भगवान बोलते हैं शांत रहो, हर जंग जीत जाएगा शांत रहोगे। तो दोस्तों यहाँ कितना अच्छा सा पौधा है। तो दोस्तों चैनल को दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ है, आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले नज़ारा इसका यहाँ देखिए क्या है, ये क्या नज़ारा देखिए, यहाँ बैठने उठने का पूरा व्यवस्था दिया हुआ है, और इसके बाद हम आपको और भी कुछ दिखाते हैं, कितना अच्छा नज़ारा है। तो दोस्तों इधर देखिए कितना अच्छा अच्छा पौधा है, ये देखिए दोस्तों ये अड़हुल का पौधा है। और तो दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, आपको और भी बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप लोग बार बार स्किप क्यों कर देते हैं दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने में और स्किप करके आप लोग देखते हैं, स्किप मत ना कीजिए, वीडियो को देखिए ना, अच्छा है वीडियो, आपको दिखाते हैं। दोस्तों इधर देखिए, ये है रांची का पुराना जेल, ये भी बाउंड्री के अंदर भी हम चलेंगे, आपको बाउंड्री के अंदर का दृश्य आपको दिखाएँगे। ये रांची का पुराना जेल है, हाँ, जेल के बगल में ही ये पार्क है, और यहाँ पार्क है, यहाँ बढ़िया बढ़िया पौधा लगा हुआ है। तो दोस्तों इधर देखिए, यहाँ बच्चे लोग को भी कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा रोमांटिक चीज़ है खेलने के लिए, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा चीज़ दिया है बच्चे लोग को खेलने के लिए, देखना अच्छे से। तो दोस्तों देखिए बच्चे लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक ही मेरी बेटा है, एक बेटी मेरा स्कूल गई है, बेटा को तबीयत ख़राब था तो इसको डॉक्टर साहब के पास ले गए थे दिखाने के लिए, तो दिखा उखा दिए हैं, डॉक्टर साहब बोले कि अभी मौसम ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दवा दिए हैं, ठीक हो जाएगा। तो बगल में रास्ते में ही एक
पार्क पड़ा तो सोचे चलते हैं, बच्चे को थोड़ा दिखा देते हैं, घुमा देते हैं, हम भी घूम लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये न्यूक्लियस मॉल है और ठीक सामने इसका मॉल के सामने ही ये पार्क है, पुराना जेल है। तो जेल के अंदर भी आपको लेकर चलते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। और यहाँ देखिए बच्चे लोग कैसे खेल रहे हैं, और एक तरफ से बोला जाए तो बहुत ही अच्छा ये पार्क है बच्चे लोग के लिए भी। यहाँ का एंट्री फी आपको बता ही दिए, बच्चे लोग का 20 रुपया है और बड़े लोग का 30 रुपया है। तो बड़े लोग के लिए यहाँ उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे लोग के लिए बहुत कुछ है। बड़े लोग के लिए आपको है जो जेल है, अंदर में जाकर आपको इसका दृश्य देखना होगा क्या क्या जेल के अंदर में है। पहले रांची का सबसे पुराना जेल है, जो कि आपको रांची का जो सबसे पुराना जेल है उसका बाउंड्री सामने दिख रहा है, और हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं उसके अंदर भी। तो दोस्तों इधर देखिए बच्चे लोग अपना खेलने वाला है, और यहाँ बच्चे लोग अपने खुशी का हर लुफ्त उठा सकते हैं। और यहाँ देखिए कितना अच्छा है, और आपको एक बार उधर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का भी नज़ारा। कितना अच्छा व्यू आ रहा, सामने का व्यू देख रहे हैं, कितना बढ़िया सुंदर नज़ारा। सामने का व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और इधर देखिए बच्चा कैसे खेल रहा है, बेटा खेलो, बच्चे लोग का नज़ारा देखिए कितना बढ़िया, बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ। और चलते हैं आगे की ओर, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ आपको इसमें बच्चे लोग को खेलने के लिए दिया हुआ है। बच्चे लोग यहाँ आएंगे तो बोरिंग नहीं होगा, बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए खतरों का खिलाड़ी जैसा दिया हुआ है, यहाँ चढ़ना ऐसे ऐसे जाना है, फिर ऐसे ऐसे जाकर ये देखिए कैसे पार हो रहा है, ये स्टाइलिश में है, वाओ। तो दोस्तों ये सब है यहाँ का दृश्य, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य है। और दोस्तों आपको ले कर चलते हैं अभी, थोड़े देर बाद उधर से घूमते फिरते उधर से दिखाते हैं आप लोगों को, इसके बाद अंदर की ओर लेकर चलते हैं जो रांची का पुराना जेल है उसके अंदर भी चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सामने का व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है।
चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा रांची का जो आपको पुराना जेल है वहाँ का भी दृश्य आपको हम दिखाते हैं अंदर का। और वहाँ का दृश्य देखिएगा कि रांची का जो सबसे पुराना जेल है जो कि आपको वो आपको हम दिखाते हैं, और वहाँ का अंदर का दृश्य, वहाँ का कैसा सब दृश्य दिख रहा है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं और देखते हैं और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और तो दोस्तों हमारा बैकग्राउंड में देखिए, यही आपको बिरसा मुंडा जेल है। और जेल के बाहर में देखिए एक मंदिर है यहाँ पर, ये यहाँ भोले बाबा का मंदिर है। और यह मंदिर के बगल में देखिए पीपल का पेड़ है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ देखिए माता रानी का दरबार है, ये रांची का सबसे पुराना बिरसा मुंडा संग्रहालय है, ये है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको ये दिखाते हैं, सबसे पहले बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा इनका स्टैचू बना हुआ है, जो कि नज़दीक चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही सुंदर। हाँ बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है दोस्तों, जूम करके दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए भगवान बिरसा मुंडा जी का स्टैचू है, ये झारखंड के योद्धा है। और ये है आपको झारखंड का रांची का सबसे पुराना जेल। तो दोस्तों इसके अंदर की ओर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिरसा मुंडा संग्रहालय के अंदर और आपको दिखाते हैं वहाँ का अंदर का दृश्य, बने रहिएगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, और यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा मॉडल जमाना का डिज़ाइन बना हुआ है दोस्तों। और इधर देखिए गांव का जो पूरा दृश्य रहता है वही दृश्य दिख रहा है। गांव में जैसे आपको घर बना रहता है ना, उसी तरह झोपड़ी का घर बना हुआ, हर गांव में ऐसा ही घर रहता है मट्टी का है। यहाँ का लोग का देखिए रहन कपड़ा उपड़ा इसी तरह कपड़ा उपड़ा पहनते हैं लोग। तो दोस्तों यही है आपको जेल, बिरसा मुंडा जेल, जो कि बहुत ही पुराना है, रांची का सबसे पुराना जेल है बिरसा मुंडा जेल के। अभी हम लोग अंदर हैं ये देखिए, और अभी आपको नया जो जेल बना हुआ है रांची का होटवार जेल है, जो कि खेलगांव के तरफ है। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए कितना अंदर सुंदर बनाया हुआ है, लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए और फ़ोटो शूट करने के लिए, यहाँ का नज़ारा देखने के लिए। तो हम लोग भी आए हुए हैं यहाँ का नज़ारा देखने के लिए, तो सोचे कि आप लोगों को भी दिखा दें यहाँ का पूरा व्यू। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए गंगा नारायण सिंह जी यहाँ खड़े हैं बंदूक लेकर, क्या बात है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और हम आपको हर एंगल से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये देखिए क्या है, गंगा नारायण सिंह 1932 में उनका जन्म है, 1832-1833। इसके बाद यहाँ का दृश्य देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए नज़ारा,
ये देखिए लिखे हुआ है यहाँ नाम पोटो हो लिखा हुआ है मित्रों। यहाँ का इनका स्टैचू देखिए, ये झारखंड के योद्धा लोग हैं। और यहाँ देखिए वीर बुद्ध भगत 1832, ये भी आपको एक योद्धा ही है झारखंड के। उन लोग का मूर्ति लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, इतना सुंदर नज़ारा यहाँ का भी है। तो दोस्तों ये सब देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, फिर एक सब्सक्राइब लाल कलर का प्यारा सा बटन है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर देखिए सबसे अच्छा भागीरथ मांझी जी 1871 लिखा हुआ। और इनका स्टैचू देखिए, टलंगा खड़िया नाम है इनका। तो दोस्तों ये नज़ारा देखिए, ये रांची का सबसे पुराना जेल है। और यहाँ का व्यू देखिए, नज़ारा देखिए। तो दोस्तों यहाँ से नज़ारा देखिए आप लोग एक बार। ये नज़ारा एक बार देखिए, कितना बढ़िया नज़ारा दिखा रहा है। और आपको दिखाते हैं यहाँ चारों तरफ देखते जाइए, और आपको वहाँ लेकर चलते हैं दिखाते हैं। तो दोस्तों अब इधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, पुराना जेल कैसा दिखता था। अंदर का भी देखिए, कुछ कुछ खुला हुआ है, कुछ कुछ बंद है। तो यहाँ चलते हैं इधर। तो दोस्तों इधर देखिए सुंदर व्यू, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये देखिए आपको अंदर का नज़ारा, ये देखिए रांची का सबसे पुराना जेल। जेल का अंदर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए ये रांची का सबसे पुराना जेल है, और यहाँ का दृश्य ये है, देख ही रहे हैं कैसा दृश्य है। देखिए दोस्तों, तो चलिए आपको फिर और बगल में लेकर चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का दृश्य कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए ये रांची का आपको पुराना जेल, अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, और सब कुछ आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये इधर का बैकग्राउंड का है, पीछे का है। और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों, अभी और भी कुछ सुंदर सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसका बाउंड्री देख रहे हैं ना, कितना ऊंचा बाउंड्री है, यहाँ से कोई नहीं पार हो पाएगा। लेकिन शातिर चोर लोग पार हो सकता था, लेकिन नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ऊंचा है। और दोस्तों ये झारखंड का सबसे पुराना जो जेल है ना, मात्र एक रांची का ये पुराना जेल था। और यहाँ का अंदर का दृश्य दिखाते, यहाँ लोग आए हुए अपना फोटो फोटो शूट करने। और यहाँ का, यहाँ देखिए पुराना जेल। तो
चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। ये सब जो भी है सब एक एक रूम है। यहाँ देखिए ये अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। और आपको यहाँ का नजदीक और भी दिखाते। तो दोस्तों देखिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये पुराना जेल देख लिए आप लोग, ये पुराना जेल है। यहाँ छोटा छोटा भी जेल था यहाँ पर। और अब हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। मेरा काम में इंटरेस्ट, तो प्लीज देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। एक बार इधर से भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। जतरा ताना भगत लिखा हुआ है यहाँ। तो चलिए दोस्तों चलते आगे की ओर और आपको दिखाते हैं और भी कुछ दृश्य। और कितना अच्छा पौधा लग रहा है। तो दोस्तों इधर से सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये भी देखिए एक जेली है यहाँ भी, छोटा जेल था रांची का, इसलिए इसको अब जेल को बंद कर इसको म्यूजियम टाइप का बना दिया है लोग, पार्क, कि हर कोई अपना इसमें आएगा घूमेगा। कि छोटा जेल होने के कारण यहाँ पर कैदी लोग को इतना जगह नहीं था, इसलिए बड़ा जेल बन गया बिरसा वहाँ पर होटवार। तो दोस्तों देखिए यहाँ ये जेल है, आपको दिख रहा है ये जेल का अंदर का दृश्य। देखिए ये पुराना जेल था क्योंकि बड़ा जेल अब बन गया है दूसरा जगह, तो इसीलिए इसको पार्क बना दिया गया है। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बाहर की ओर निकलते हैं। तो दोस्तों पूरा पार्क अंदर में हम लोग, पुराना जेल भी घूम लिए, पार्क भी घूम लिए। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से अपना घर की ओर निकल रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।